संगमरमर नी ऊंची ऊंची चट्टानों नी वच्चे वहती नर्मदा नदी अव मनोरम्य दृश्य थी कोनी आंखों ने ठंडक ना मळे। भेड़ाघाट धुमाधार जेने जोवा माटे सहेलाणीओ जबलपुर आवे छे। आ शहर में ज रहे छे लतिका। एंजीनियरिंग नु भणवानु पूरु कर्या पछी बेंगलोर मां खूब ज सारी नौकरी मळी जवाथी खुश एवी लतिका पोतानु प्रिय शहर छोड़ीने बेंगलोर आवी गई हती। लतिका सरल समझदार सुघड़ छोकरी हती जेना कारणे लोकोने ए पहली नजरे ज गमी जाती हती। विवाह योग्य थता ज संबंध माटे घणा बधा मांगा आवा लाग्या। लतिकाना पप्पा खूब समझी विचारीने लतिकाना विवाह करावा माटे इच्छता हता। जेवी रीते दरेक छोकरीना माता पिता इच्छता होय छे के एमनी दीकरीना विवाह एवा घरमां थाय ज्यां ते हमेशा खुश रहे सुखी रहे। कई केटलाय संबंधोनी वच्चे एक संबंध एमने सारो लाग्यो। आ संबंध नागपुर निवासी गुप्ताजीना घरे हतो। गुप्ताजीनो दीकरो सिद्धार्थ चार्टर्ड एकाउंटंट हतो जे मुंबईमां जॉब करतो हतो। जो कि मुंबईमां एणे हजु सुधी कोई घर नहोतुं खरीद्युं पण नागपुरमां घणो मोटो बंगलो हतो एनो जे 2 वर्ष पहेला ज बनाव्यो हतो। बंने परिवार एकबीजाने मळ्या। लतिका अने सिद्धार्थे पण एकबीजा साथे वात करी। बंने एकबीजाने मळीने खुश हता अने एमणे आ संबंध माटे हा कही दीधी। सिद्धार्थना मम्मी पप्पा लतिकाथी खूब खुश हता। एमणे सगाईनी विधि पण करी दीधी। सगाई पछी विवाहनी तारीख 6 महीना पछीनी आवी। आ समयगाळामां लतिका बेंगलोरमां पोताना काममां व्यस्त हती अने सिद्धार्थ मुंबईमां। सिद्धार्थना मम्मीनी इच्छा हती के आ विवाह खूब धामधूमथी थाय। लग्ननी तैयारीओ माटे घणी वार ए लतिकाना मम्मी पप्पा साथे वातो करती हती। बंने परिवार विवाह माटे खूब खुश हता अने तैयारीओमां व्यस्त हता। लतिका बेंगलोरमां पोताना काममां व्यस्त हती पण थोड़ा दिवस पछी एने टाइफॉइड थई गयो। लग्नने बस थोड़ो ज समय बाकी हतो। एनी बीमारीनी खबर सांभळता ज मम्मी पप्पाए एने पाछू जबलपुर आववानुं कही दीधुं। लतिकाना पप्पाए कह्युं के लग्न पछी आम पण ए बेंगलोरमां जॉब कदाच ना करी शके तो बेहतर छे के ए जॉब छोड़ी दे अने विवाह पछी ज्यारे ठीक लागे त्यारे फरीथी शरू करे। लतिकाने पण पप्पानी वात बराबर लागी। ए जाणती हती के जॉब तो एने क्यांय पण आरामथी मळी जशे पण पोतानी सेहत साथे हवे कोई पण समझूती करवा नहोती मांगती। एने बेंगलोरनी कंपनीमां राजीनामुं आपी दीधुं अने जबलपुर आवी गई। सिद्धार्थने आ बधी ज वातनी खबर हती। एक दिवस सिद्धार्थनी मम्मीए ज्यारे जबलपुर फोन कर्यो त्यारे लतिकाए फोन उपाड्यो अने लतिकाए बधी हकीकत कही दीधी के तबियत खराब थवाथी एने बेंगलोरनी जॉब छोड़वी पड़ी अने हवे लग्नना थोड़ा महीना पछी ज जॉब करशे केम के ते पोतानी तबियत प्रत्ये खूब चिंतित थई गई हती। आ वात सांभळता ज सिद्धार्थनी मम्मीना तो तेवर ज बदलाई गया। अरे एम केम, पूछ्या विना नौकरी छोड़ी दीधी, केटली सारी नौकरी हती, तबियत सारी नहोती तो मम्मी पप्पा ने त्यां बोलावी लेवाई ने, एवी सारी नौकरी क्यां मळशे हवे तने। लतिका पोतानी थनार सासूना मोढे आवी वात सांभळी अचंबित थई गई। एने तो एवी आशा हती के एनी सासू एनी तबियतनी चिंता जाहिर करशे पण उल्टानुं सासूए तो जॉब छोड़ी एनी माटे गुस्सो बताव्यो। लतिका ने तो आ वात कंईक अजीब लागी। फोन पर तो वधारे वात ना थई। फोन राख्या पछी लतिकाए पोताना मम्मी पप्पा ने आ वात साफ शब्दोमां बतावी के दाळमां जरूर कंईक काळुं छे, कदाच एमने सिद्धार्थ माटे मने एटले पसंद करी केम के हुं जॉब करुं छुं, कदाच एमने मारी कमाणीमां वधारे लालच छे। सिद्धार्थ तरफथी क्यारेय आवी कोई वात नथी बनी परंतु लतिकाना पप्पा चिंतित थई गया अने एमने पोताना ओळखीता लोको पासेथी ए जाणवानी कोशिश करी के आखरे मामलो शुं छे। त्यार पछी एमने खबर पड़ी के एमने जे 2 वर्ष पहला नागपुर शहेरमां एटलो मोटो बंगलो खरीद्यो छे ए बंगलो एमने लोन पर लीधो छे जेनो दर महीने व्याज भरवानुं होय छे अने तेवो एक एवी छोकरीनी शोधमां हता जे सारी नौकरी करती होय अने कमाती होय जेथी एनी कमाईथी पोताना घरनी लोन चूकवी शके। आ वातनी खबर पड़ता लतिका अने एना परिवारने आघात लाग्यो। एमने ए वातथी कोई परेशानी न हती के लतिका भविष्यमां पोताना पैसाथी खुदनुं घर बनावे पण सासू ससराना आटला मोटा घरनी एटली मोटी लोन चूकवानी हिम्मत लतिकामां बिल्कुल हती नहीं। लतिकाने जॉब करवी ए एनो अंगत निर्णय छे। अत्यारे खराब तबियतना कारणे जॉब छोड़वी पड़ी तो भविष्यमां ज्यारे पोताना परिवारने आगळ वधारवा पण जॉब छोड़वी पड़े के अन्य कारणथी पण ए एनो खुदनो निर्णय होवो जोईए, जॉब करवी एनी मजबूरी ना होवी जोईए। लतिकाए सिद्धार्थने आ बाबते चोखवटथी वात करी। एणे सिद्धार्थने कह्युं के बेशक हुं तमारी पत्नी बनवा तैयार हती
પણ મને લોન ભરવાનું મશીન બનવામાં કોઈ દિલચસ્પી નથી। લતિકાએ સિદ્ધાર્થ સાથેના પોતાના સંબંધને ત્યાં જ વિરામ આપી દીધો। સિદ્ધાર્થે પણ લતિકાને આ વિશે પોતાની સફાઈ ક્યારેય ના આપી, કેમ કે એ જાણતો હતો કે ભૂલ પોતાના તરફથી થઈ છે। મમ્મી પપ્પાએ હેસિયત બહાર એટલું મોટું ઘર એમ વિચારીને ખરીદી લીધું કે સિદ્ધાર્થની પત્ની વર્કિંગ વુમન હશે અને લોન ચૂકવશે। દોસ્તો, આજના સમયમાં પતિ પત્ની બંનેને પૈસા કમાવવા ખૂબ જરૂરી છે, પણ લગ્ન એ પાયા પર બિલકુલ ન થવા જોઈએ કે છોકરીની કમાણી છોકરાના પરિવારના કર્જની ચૂકવણી કરે। તમારો આ વિડીયો વિશે શું કહેવું છે નીચે કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। અને મિત્રો, જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરજો અને આવા જ બીજા પ્રેરણાદાયી વિડીયો જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી ધ ગુજ્જુ મોટિવેશન નામની યુટ્યુબ ચેનલને અને ફેસબુક પર ફોલો કરો અમારા ધ ગુજ્જુ ઇન હિન્દી મોટિવેશન નામના પેજને। ધન્યવાદ।